सो मौसम के बदलने की वजह से आज मेरा गला ख़राब है, तो मेरी आवाज़ में बेस तुम्हें थोड़ी कम सुनाई देगी। सो ए व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत ही लेट हो गया मैं ये वाली वीडियो बनाने में, बट यार फेस्टिवल वगैरह थे तो लेट हो जाता है बंदा। चलो वो छोड़ते हैं। और जैसे कि आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि मैंने अपना लोगो एंड बैनर चेंज कर लिया है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए वो कैसा लगा। और आज हम बता रहे आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको, आप बीट सिंक मॉन्टाज अपने एंड्रॉयड से कैसे बना सकते हैं। प्रीव्यू आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बीट सिंक मॉन्टाज होता क्या है, देखिए बीट सिंक मॉन्टाज ये होता है कि जो गाना होता है ना, एक पबजी गेम प्ले, कोई भी गेम प्ले के पीछे गाना लगता है, उसमें बीट्स होती हैं और जो गेम के अंदर शॉट्स होते हैं वो बीट के साथ ही बंदे को किल करते हैं। और वो ऐसा लगता है जैसे, कैसे बताऊं, जैसे जैसे आपका सॉन्ग है जो वो शॉर्ट्स के साथ चल रहा है, या आपकी शॉर्ट्स सॉन्ग के साथ चल रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। बहुत सी आपको क्या कहते हैं कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे आपको जो है क्वेरीज हैं मेरे से, तो मैं आपको सारी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। गला ख़राब है मेरा, जुकाम हो रखा है यार। ठीक है, सो सबसे पहले आपने सॉन्ग कैसा चूज़ करना है। सॉन्ग ऐसा चूज़ करना है जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब उसमें बीट्स हो बट थोड़े टाइम के बाद, मतलब ऐसे नहीं मतलब बीट्स ही बची जाए खतरनाक, दो दो मिली मिली सेकंड का फ़र्क हो, कम से कम 2 या 3 सेकंड के फ़र्क में उसकी बीट्स होनी चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा ही कुछ फास्ट बीट ड्रॉप वाला सॉन्ग है जो वो नहीं यूज़ हो सकता, जो मर्ज़ी कर लो आप। सो बीट कांस्टेंट रखो। अब आप मेरे पास मत आना भाई, गाने बता दो, गाने बता, देखो गाने वाने खुद चूज़ करो, मज़ा आएगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो top 10 beat drops ऑफ 2019 या 2000 कोई भी ईयर, तो वहाँ पे बहुत सारी, मैं भी ऐसी ढूंढता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी आ जाती हैं। सो आपने वहाँ से अपने फाइंड अपना सॉन्ग कर लेना है। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं लोग, वो ये है कि भाई मेरे को गेम प्ले नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। भाई देखो TDM खेल लो, क्लासिक खेल लो, पेलोड खेल लो, उसमें बंदे के शॉट्स या किल्स तो आप करोगे ना, बस और कुछ नहीं चाहिए इसमें, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कोई भी क्लासिक मैच खेलते हो उसमें किल्स करनी है ना, दैट्स इट, वही रिकॉर्ड कर लो आप, इसमें कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड इसके बाद बस इफेक्ट्स आपको भरने हैं। अगर आपने मेरी मॉन्टाज वाली वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लो मॉन्टाज वाली वीडियो, उसके बाद इधर आना। सो इसमें क्या चाहिए हमको, काइन मास्टर, ओनली काइन मास्टर चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। इसमें कोई पैक नहीं प्रोवाइड करूँगा, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ी बहुत ही। और हाँ एक और बात यार, अभी अभी मैंने स्ट्रेंजर थिंग का पूरा सीज़न कंप्लीट किया और भाई क्या मतलब अलग ही टाइप की गोची, अलग टाइप का नशा है यार ये। मतलब अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा स्ट्रेंजर थिंग तो जाके देख लो यार, बहुत ही बढ़िया है। एंड भाई जो उसका मेन इंट्रो है उससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी इंट्रो, नई वाली इंट्रो बनाई है। सो अगर आपको नई इंट्रो अच्छी लगी है तो जाके कमेंट करो यार कि भाई अच्छी लगी, टॉप ऑफ द नॉच, बहुत बढ़िया है। वैसे ट्यूटोरियल तो मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि अपनी वीडियो को ट्यूटोरियल थोड़ी दूंगा मैं, बात समझो थोड़ी सी यार। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सबसे पहले आपने अपने काइन मास्टर में आ जाना है। अब काइन मास्टर में मैं आपको बताऊँ आपने कुछ नहीं करना है, एक चैनल है पबजी मोबाइल ऑफिशियल, और सॉरी पबजी पीसी का भी है, पबजी मोबाइल का भी है, कोई भी है, और वो कुछ स्क्वाड टैक्टिक्स या कोई जैसे कैसे इलस्ट्रेशन वीडियो डालते हैं, उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी वो होते हैं क्या कहते हैं गेम प्लेज होते हैं। जैसे कि एक मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे जो गेम प्लेज होते हैं उनकी, ये देखिए लिखा है ना आप स्टैचरी कंटेंट स्क्वाड टैक्टिक्स, तो ऐसी वीडियोस वो डालते रहते हैं, तो मुझे ये
कंफर्म नहीं है कि उससे कॉपीराइट आता है कि नहीं आता, बट ट्राई करने में क्या आ जाता है, बट मैंने कभी अपलोड नहीं करा है, सो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ। सो कॉपीराइट स्ट्राइक का मैं कुछ नहीं कह सकता, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट ये वाले जो गेम प्लेज होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं, मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे होते हैं, इसको साउंड बंद कर दें। तो ये आपके मॉन्टाज के जो क्लिप्स, जो बीट्स की गैप होते हैं वो भरने में बहुत ही बढ़िया काम आएंगे। सो इनको आप अपनी मर्जी से डाउनलोड कर लो, कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ, मैं आपको प्रीव्यू दिखाना तो भूल ही गया ना, तो अब जल्दी से अभी प्रीव्यू देख लो अपना। था प्रीव्यू, अब जल्दी जल्दी वीडियो बनाने में स्टार्ट करते हो कि वैसे भी बहुत ही लंबी जा रही है वीडियो। सो सबसे पहले आपने अपना जो वो क्या कहते हैं, वो मैं भूल गया, अपना पबजी का गेम प्ले वो लेना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा गेम प्ले, इसको बंद कर देंगे। एंड इसके बाद अपने अपना साउंड लेना है। मेरा साउंड मैंने यहाँ पे यूज करा है हॉपेक्स कॉन्करर, ये रहा। सो ये कुछ गाना ऐसे है, बहुत ही बढ़िया, आपने गाने को सुन लेना है। ओ शिट, आपने गाने को सुन लेना है और बीट ड्रॉप मार्क कर लेने कहाँ पे, मैं देखता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे बीट ड्रॉप आती है, तो आपने प्लेहेड पे क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पे एक मार्क लग जाएगा, सिंपली मजा आएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ, यहाँ से हमें यहाँ तक क्लिप चाहिए, स्क्वाड टैक्टिक्स नहीं चाहिए। सो स्प्लिट एट प्ले हेड करके इसको स्किप करके आगे क्लिप ले जानी है। एंड यहाँ पे जो क्लासिक ट्रांजिशन में क्रॉस फेड है, बहुत ही बेस्ट रहती है, वन कर दो, बहुत ही बेस्ट रहेगी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। एंड इसका आप क्या कर सकते हो, इसको इसको इसकी जो स्पीड है वो स्लो कर सकते हो, जैसे 0.1x कर दोगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये स्टटर नहीं होगा। वैसे स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हो आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्लो करके, ठीक है, यहाँ तक। और स्क्वाड टैक्टिक्स आ गया थोड़ा सा, सो आई विल कट दैट पार्ट, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। एंड अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सिनेमैटिक लुक देना। सिनेमैटिक लुक देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर फिल्टर में जाओ, ठीक है, मोनोक्रोम में जाके इसको MO1 दे दो, जिससे ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, या कोई भी आपको करे, वैसे नहीं है ज़रूरत। आपने सिंपली क्या करना है, विग्नेट देना है इसको, यहाँ पे विग्नेट का ऑप्शन होता है। एंड देन कलर एडजस्टमेंट जाके ब्राइटनेस कम करके कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना, ठीक है। एंड आपने दूसरी लेयर के साथ भी ऐसे करना है, ब्राइटनेस कम करके कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना। आफ्टर डैट आपने
ये वाली क्लिप लेनी है, इसको बोलते हैं टीवी नो सिग्नल स्टैटिक लाइंस। आप यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगी टीवी नो सिग्नल स्टैटिक लाइट्स, एंड इसको आपने ओवरले कर दो किसी भी चीज़ पे, बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके बाद मत कर लूँ मैं, अरे यार जुकाम कितना ये देखो। सो अब यहाँ पे आपने अपना नेम भी ले लेना है। सो नेम में यहाँ पे मेरे पास शायद ही होगा, मैं देखता हूँ, है मेरे पास। सो ये फॉन्ट कौन सा है? ये फॉन्ट है निंजा क्राइम्स, जो कि हमने स्काउट की इंट्रो में यूज़ किया था, निंजा क्राइम्स, ये वो है। इसको फेड करके ले लेंगे पहले तो, ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे फॉन्ट, एंड फिर इसको स्प्लिट नहीं, इसको डुप्लीकेट करेंगे, सॉरी डुप्लीकेट करके इसको यहाँ से ट्रिम लेफ्ट कर देंगे, मतलब एक लेयर बनाएंगे, एंड फिर उसको जो प्रेजेंट लेयर है उसको बड़ा करके ब्लेंडिंग में जाके मल्टीप्लाई या कुछ भी आप कर सकते हो, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, डार्कन, सो नॉर्मल कर दो ऊपर वाली लेयर को, उसके बाद कट करके नीचे वाली लेयर में ओवरऑल एनिमेशन डालो, फ्लिकर, देखो फ्लिकर डाला, एंड इसको छोटा करा, सो कुछ ऐसा देखेगा। एक और बात, सिनेमैटिक बार्स, मैंने देखा है सिनेमैटिक बार्स आप बिल्कुल नहीं डालते हो, भूल जाते हो। सिनेमैटिक बार्स बहुत ही बढ़िया रहते हैं। क्या करना है, दो सॉलिड ब्लैक कलर लेने हैं, सिंपली इनको एक को ऊपर रख देना है, एक को रख देना है नीचे, दैट्स इट। फिर इसको खींच देना लाइक दिस। अब आप देखिए मेजर बीट ड्रॉप कहाँ पे आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, तो ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंपली व्हाइट स्क्रीन जो हो जाती है वो वाला पार्ट नहीं चाहिए, उसके बाद वाला चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं बीट ड्रॉप्स, स्प्लिटेड प्लेहेड करके यहाँ पे आपने अपना जो आपका खुद का गेम प्ले है वो यहाँ पे ऐड करना है। सो वो होगा लगभग ये रहा मेरे पास। ये प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे जीवन गेमिंग ने, जीवन गेमिंग का चैनल बहुत ही बढ़िया है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, रोज़ गिव अवे होते हैं, जाके करो सब्सक्राइब, सपोर्ट दिखा दो। सो आपने अभी, मैं बताऊँ, बी ड्रॉप के पहले कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, बी ड्रॉप के पहले कोई शॉट नहीं दिखाना है, कोई कुछ नहीं दिखाना है, सिंपली रनिंग वगैरह दिखानी है। सो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भाग रहा है तो मैं यही दिखाऊंगा, लाइक यहाँ तक, ये जब यहाँ पे स्कोप खुलते हैं यहाँ तक, ठीक है, एंड इसको कलर फिल्टर में जाके इसको करेंगे ब्लैक एंड वाइट लाइक दिस, एंड आप देख सकते हैं क्रॉपिंग भी थोड़ी होने वाली है तो वो मैं कर लेता हूँ। सो आप देखो अभी इसको स्लो करना भूल गया मैं, इसको स्लो कर दो, स्लो 0.5x तक, एंड ये इक्वल टू दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो एंड तक जाते जाते आपकी वीडियो फिर से सेम हो जाएगी। इसमें विग्नेट डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक है, ये थोड़ी सी क्लिप दिखाई जैसी आपने, इसके बाद फिर से पबजी का गेम प्ले लगा दो, बिकॉज वी डोंट हैव टू शोकेस एनीथिंग बिफोर द बीट ड्रॉप। बीट ड्रॉप के पहले हमें कुछ भी शोकेस नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ये देखो ये नहीं चाहिए हमको स्क्वाड लीडर वगैरह, सो मैं एक बढ़िया सी वो ढूंढता हूँ, ये क्लिप लगा देते हैं। सो बी ड्रॉप आने वाली है, सो यहाँ पे अपना गेम प्ले लेना है आपने दोबारा से, वंस मोर गेम प्ले लेना है। सो ये रहा, एंड यहाँ पे आपने अपना शॉट देख लेना है। सो तो बेस्ट शॉट इसमें जो है वो है, ये मेरे फर्स्ट ही शॉट लगा था, बहुत लंबा है। सो यहाँ पे लगता है शॉट,
मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हम ये वाला शॉट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आगे गया इधर से एंड फिर पीछे आके इसने यहाँ पे शॉट लगा दिया। सो शॉट के पहले वाली क्लिप हमने ट्रिम स्प्लिटर प्लेहेड करनी है एंड देन इसकी स्पीड कर देनी है स्लो 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 करके। एंड मैंने क्या कहा था कि बीट ड्रॉप के पहले कुछ भी शो केस नहीं करना है, सो विग्नेट दे के आपने इसको फिर से ब्लैक एंड वाइट कर देना है। ये वाला ठीक है। सो सो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा जल्दी हो गया है, सो मैं इसको फिर से सेट करूँगा। ये इक्वल टू का साइन ज़रूर दबा देना, ये बहुत ही प्रॉब्लम लाता है, इसको याद से दबा दीजिएगा। सो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। सो बिल्कुल ये बीट पे है बट इसमें इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इफ़ेक्ट्स कैसे डालेंगे? सो ट्रांजिशन काम आएगी इसमें, मोशन कट होती है या एक्सेलरेशन, ये एक एक्सेलरेशन और एक मोशन कट, ये दोनों बहुत ही काम आने वाली है। सो मैं एक्सेलरेशन में जाऊंगा एंड स्पीड आउट करूंगा, स्पीड आउट नहीं, यस स्पीड आउट करूंगा एंड इसकी जो स्पीड है वो 0.5 कर दूंगा, जिससे कुछ ऐसा इफेक्ट मिला, या और भी कम कर सकते हो। और एक मोशन कट में है जो वो है पल्स कट, ये भी बहुत बढ़िया है। चलो मैं अभी एक्सेलरेशन पे ही रहता हूँ। सो अभी आपने क्या करना है, इसको सेट कर लेना है एंड इसको मैं देख सकता हूँ, इसमें ये थोड़ा सा सेट नहीं है, सो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, वाली थोड़ा देख के बैठना। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे दिखेगा। अगर आप चाहते हैं तो ट्रांजिशन और स्लो कर दीजिए थोड़ी सी, ओके। इसके बाद मैं देख रहा हूँ जो भी आप बना रहे हो आप उसमें कलर वो कर ही नहीं, क्या कहते हैं कलर करेक्शन करने के लिए आप क्या करना है, विविड फिल्टर देखिए कितना बढ़िया, कितना फ़र्क लग रहा है इसमें विविड फिल्टर में। सो आपने यही लगा देना है, ठीक है। अरे यार ये वाला सेट क्यों नहीं हो रहा। सो इसके बाद आपने, मैं क्या बताऊँ, जब यहाँ ये जो आ रहा है क्या कहते हैं जो बीट ड्रॉप आ रही है, आपने वहाँ पे ये ब्लैक जो सिनेमेटिक बार्स हैं इनको स्प्लिटर प्लेहेड कर लेना, ठीक है, अलग ही लेयर बना लेनी इनकी। ये देखिए मैं दो लेयर्स बना रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा क्यों बना ले लिया अलग लेयर्स। सो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से आपने इनमें एनिमेट करनी स्टार्ट कर देनी। मैं इनको कट कर लूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है अगर आपको, तो ध्यान से देखिए मैंने दो सिंपली दो अलग लेयर्स बना लिए, ठीक है। एंड अब मैं इनको एनिमेट करना स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे की एनिमेशन दूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बीट ड्रॉप तक जाके मैं इनको यहाँ तक ले आऊँगा, यानी बीट ड्रॉप से थोड़ा पहले यहाँ तक आएंगी एंड जब शॉट लगेगा तब एक और प्लस एनिमेशन लगा के फिर से पीछे जाएंगी, ठीक है। ऐसी सिमिलर थिंग आपने ऊपर वाली जो वो है उसके साथ करनी है, बिल्कुल पॉइंट मिला लें। अब जैसे देखिए इसमें जो ये वाली एनिमेशन है यहीं पे प्ले हेड रख के नीचे वाली में भी सेम एनिमेशन डालनी है यहाँ तक एंड देन फिर ऊपर जाना है, एनिमेशन लेनी है एंड फिर नीचे वाली भी आके फिर से पॉइंट एक लगा देना है। अगर आपको एनिमेशन डिलीट कर दी मैंने शेट यहाँ तक एनिमेशन लगा के इसको फिर से ऊपर ले जाना, जिससे अब मैं बताऊँ कैसा इफेक्ट आएगा, दिखाऊँ, बहुत ही कूल इफेक्ट आएगा। सो आप देखिए नीचे वाली हो गया थोड़ी लेट बिकॉज मैंने पता नहीं क्यों किया था उसको, सो डिलीट कर दो ऊपर। आपको इसमें ब्लैक लेयर कस्टम ही बनानी पड़ेगी गाइस, सो यहाँ तक रखो पहले एंड देन इसको इनके सिमिलर जो है वो बना लो, क्या कहते हैं भाई लेयर्स। सो यहाँ तक एंड देन यहाँ तक, ओके गाइस। अरे नीचे वाली भाई ऊपर। सो इतना सा शॉट लेने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा।
तुम्हें दिखाता हूँ। सो ये ऐसे इफेक्ट आएगा इसमें। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे एक आपने वो आप बूम स्विश तरह की साउंड होती है वो लगा सकते हो। वो ऐसे एक बेस टाइप की साउंड होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ी होगी। हाँ ये देखिए, ये है एम्पलीफाइड गन साउंड। तो मैं अगर इसको यहाँ पे बिल्कुल ट्रांजिशन पे लगाऊंगा तो ये बहुत ही कूल साउंड करेगी, आवाज़ कम करके। थोड़ा सा ही चाहिए हमको, थोड़ा सा आगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया साउंड करेगी। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट था, यहाँ पे कलर्ड हो गया, तो ये बहुत ही कूल लग रहा है। मुझे अब नहीं लगता कि आगे आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी ये सब करने की, बिकॉज क्या सिंपली का करना है, जो शॉर्ट है वहाँ पे ट्रांजिशन लगा के नेक्स्ट लेयर को कलर कर देना है। कलर करेक्शन करना मत भूलिएगा, कलर करेक्शन करा करो, एंड सिनेमेटिक बार्स भी ऐड करा करो अपनी हर मॉन्टाज में, जिससे बहुत ही क्लासी लुक आता है आपकी वीडियोज़ में। सो गाइस दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। हाँ मेरे को पता है ये वाली वीडियो आपके सर के ऊपर से गई है बिल्कुल ही, लेकिन भाई प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप ना काइन मास्टर जो है बिल्कुल मास्टर नहीं कर जाते, आप बिल्कुल प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और मैं तो ट्यूटोरियल्स डालता रहूँगा। अगर मेरी मॉन्टाज वाली वीडियो नहीं देखी है, वो वाली वीडियो देखो यार, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो वैसे भी 21 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, तो कमेंट रीडिंग सेक्शन चलो वेलकम टू अनदर कमेंट रीडिंग सेक्शन गाइस, जिसमें मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और पता नहीं क्या क्या आंसर देता रहता हूँ। तो भाई ये पहले मेरे को सबसे पहले ये बता देना कि जो नई इंट्रो है और नया लोगो है वो आपको कैसा लगा, सबसे पहले ये कमेंट करिएगा जाके, उसके बाद बाकी कमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट कमेंट है क्रेजी फ्रेजी का, आई हैव एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस पैक। अरे भाई ऑब्वियसली आप यूट्यूबर हो, तुम यूट्यूबर हो तो होगा ही ना तुम्हारे पास, क्या बात है। सो फिनोमिनल गेमर, दिस इज बेस्ट गिफ्ट फॉर दिवाली, विशिंग एवरीवन अ हैप्पी दिवाली। अरे वे लेट होगा। टेक बॉय भाई ने कहा, द हार्ड वर्क यू हैव डन फॉर अस इज रियली सो ग्रेट, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक फॉर दिस ग्रेट दिवाली गिफ्ट, लव यू वराया तुसी छा गए। अरे भाई पंजाबी बोल रहा लोडा, क्या बात है। अल्ट्रा का कमेंट है, हम आई गेट अ दिवाली गिफ्ट फ्रॉम ऑमलेट, दैट्स कूल। भाई साहब तन्मय ने किया, थैंक्स ब्रोस फॉर सच अ ग्रेट दिवाली गिफ्ट। अरे भाई बस थैंक्स, बस यार रुलाओगे क्या यार, बस रुलाओ यार। प्रणव गेम ने कमेंट किया, हाउ टू मेक एनिमेशन लाइक दिस। सो मेरी एक टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर वीडियो है, उसको देख लो, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। टेक ब्रडी क्रिएशन ने कमेंट किया, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स ब्रदर, कीप गोइंग ऑन। ओके भाई साहब थैंक यू। क्रेजी गेमर, पैक इज डोप सुपर बट 1 GB, डाउनलोड करने में हालत टाइट, एक बार बस हालत टाइट करके डाउनलोड कर लो, यू इट इज वर्थ इट। हैप्पी दिवाली ब्रो, विशिंग यू एंड योर फैमिली वेरी हैप्पी सेफ दिवाली, एंजॉय रॉक इज लाइफ, थैंक यू। सो बाकी कमेंट सो ज़्यादातर इसमें हैप्पी दिवाली है, सो मैंने आपको कर दिया हैप्पी दिवाली, अब लेट हो गए बहुत हम। सो हैप्पी दिवाली इस वन जी भी, कॉन्ग्रेट्स टू मी फॉर 60 सब्स, डेथ विश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिटिंग 60 सब्सक्राइबर्स भाई साहब, मोर टू कम। आर कैन एक्स ने किया, मोस्ट अवेटेड, लव यू भाई एंड हैप्पी दिवाली। ओके थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो बिलेटेड। सो सबको शाउट आउट दे दिया मैंने, ऑल ऑफ यू शाउट आउट। अरे भाई लाभ देखो इसका। सो अरे बस यार और नहीं, वीडियो और लंबी जा रही है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, बहुत ही बढ़िया कंटेंट वहाँ पे भी आता है, स्टोरी वोरी डालते रहते हैं। सो गाइस गो चेकआउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। आई एम लेट साइनिंग आउट।